नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की पूरी हिस्सेदारी खरीदने को लेकर लंदन के फोरसाइट ग्रुप समेत कई कंपनियों ने शुरुआती बोलियां लगाई हैं। बता दें कि सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेच रही है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 1 मार्च 2021 कर दिया गया था। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन के लिए कई रुचि पत्र मिले हैं। सौदा अब दूसरे चरण में जाएगा। फोरसाइट ग्रुप ने बेल्जियम के एक्समार एनवी और दुबई के जीएमएस डीएमसीसी के साथ मिलकर बोली लगाई है। हालांकि एसआर ग्रुप और अदानी ग्रुप ने शिपिंग कॉरपोरेशन के निजीकरण के लिए बोली नहीं लगाई है। बता दें कि मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में शिपिंग कॉरपोरेशन और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि महामारी के कारण योजना को टाल दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल लिमिटेड समेत अन्य कंपनियों के सौदे पूरे किए जाएंगे। सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेच रही है। बोली जमा करने की अंतिम तारीख 13 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।